हेलो दोस्तों, मैं मोहित कंप्यूटर हिंदी नोट्स डॉट कॉम से, और अब हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम आपको एमएस वर्ड के बारे में सिखाएंगे। तो ये उसका फर्स्ट वीडियो है, तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ कंप्यूटर हिंदी नोट्स डॉट कॉम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमएस वर्ड में कुछ बेसिक्स फंक्शन को जानेंगे कि हम एमएस वर्ड को कैसे ओपन कर सकते हैं, उसमें फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसे सेव कैसे कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो एमएस वर्ड को ओपन कैसे करें, तो यहाँ पर आपको दो तरीके मिल जाते हैं जिनके थ्रू आप एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप एमएस वर्ड सेलेक्ट करेंगे। चूंकि मेरे पास वर्ड 2013 है, तो मैं आपको वर्ड 2013 के फीचर्स बताऊंगा। अगर आपके पास इससे पुराना वर्जन है या इससे लेटेस्ट वर्जन है, तो हो सकता है कुछ फीचर्स आपको ज्यादा या कम मिलेंगे। तो जैसे ही आपने एमएस वर्ड सर्च किया, तो यहाँ पर आपको एमएस वर्ड का लोगो दिख जाएगा और उसके नीचे लिखा रहेगा ऐप, तो आप उस पर क्लिक करके एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक तरीका कि आप कैसे एमएस वर्ड को ओपन करें। मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप एमएस वर्ड को और तेजी से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप विंडो की और आर प्रेस करेंगे, तो आपको एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जो ये आपको डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, इसे रन डायलॉग बॉक्स कहते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है विन वर्ड। जैसे ही आप विन वर्ड लिख के एंटर प्रेस करेंगे, तो एमएस वर्ड इंस्टेंट ओपन हो जाएगा। तो ये होती है एमएस वर्ड की फर्स्ट स्क्रीन। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इसके बारे में भी बता दूँ। यहाँ पर आपको दो पोर्शन में एमएस वर्ड की स्क्रीन दिख रही होगी। जो राइट साइड का एरिया है, वहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। यहाँ पर जैसे लिखा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, उसके बाद कुछ टेम्पलेट्स दी हुई हैं। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट का टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर काम कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी इनमें से टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको टेम्पलेट के थ्रू नहीं, मैं आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट के थ्रू इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। और जो राइट साइड का एरिया है, वहाँ पर आपके जो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आपने हाल ही में जिन डॉक्यूमेंट पर काम किया है, उनकी लिस्ट दिखेगी। मैंने अभी किसी डॉक्यूमेंट पर काम नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं अभी ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर दो पोर्शन में आपको चीज़ें दिख रही हैं। जो ये नीचे जितना भी एरिया दिख रहा है, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा है, और आजू बाजू कुछ ब्लैंक एरिया दिख रहा है, इसको कहते हैं हम डॉक्यूमेंट एरिया। और उसके ऊपर हमें कुछ मेन्यूज़ दिख रहे हैं, जैसे कि फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, और बहुत सारे जो मेन्यूज़ हैं वो दिख रहे हैं, और कुछ हमें उन मेन्यूज़ के अंदर टूल्स दिख रहे हैं। तो मैं आपको आज फाइल मेन्यू के बारे में पूरी चीजें बताऊंगा कि उसमें कौन से ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कुछ अपना रैंडम टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ अपना टेक्स्ट टाइप कर लिया है। तो जैसे कि हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है, अभी हमने इसे सेव नहीं किया है, हमने इसे सिर्फ टाइप किया है। अब चलिए देखते हैं कि फाइल मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शंस हमें देखने मिलते हैं। जैसे ही हम फाइल पे क्लिक करते हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन होता है इन्फो का। चूंकि इन्फो का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो जैसे कि आप राइट साइड में पूरी इन्फॉर्मेशन देख पा रहे हैं कि इसकी साइज कितनी है। चूंकि यहाँ लिखा है नॉट सेव येट, यानी कि अभी तक इसे सेव नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर इसकी साइज शो नहीं हो रही है। पेज कितने हैं, तो यहाँ पर अभी हमने एक ही पेज टाइप किया है जिसमें 239 वर्ड लिखे गए हैं, और इस टाइपिंग में हमें 1 मिनट का समय लगा। और यहाँ पर हमने टाइटल कि हमने इसे सेव नहीं किया है, इसलिए हमें टाइटल भी शो नहीं कर रहा है। और इसे हमने कब मॉडिफाई किया था, यानी कब क्रिएट किया था और मॉडिफाई किया था, वो सारे डेट और टाइम हमें यहाँ पर शो हो जाती है। तो देखते हैं हम अगला ऑप्शन क्या है। तो अगला ऑप्शन है न्यू। जैसे आप न्यू पर क्लिक करते हैं, तो हमें कुछ ऐसी विंडो शो होती है। जैसा कि हमने पहले एमएस वर्ड को ओपन किया हुआ था, वही विंडो यहाँ पर हमें शो हो रही है कि हम यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट या कुछ टेम्पलेट का इस्तेमाल करके अपना नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। पर अभी हम एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं करेंगे। फिलहाल यहाँ फोर्थ ऑप्शन है सेव का। तो अभी हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेव पर क्लिक किया, और यहाँ सेव पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला ऑप्शन दिख रहा है वन ड्राइव का। तो वन ड्राइव जो है, वह एक ऑनलाइन स्टोरेज सर्विस है जिसमें आप चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। यह विंडोज़ कंपनी के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर आप उसमें भी अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं।
यदि आपने इसमें लॉग इन किया हुआ है तो। पर अभी हम इसे कंप्यूटर में ही सेव करेंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है आपको ब्राउज का, तो जैसे ही आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि आपको वह डॉक्यूमेंट कहाँ सेव करना है। तो मैं अभी इसे डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाकर सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया, उसका नाम मैं दे देता हूँ डॉक्यूमेंट, और इसमें ही हम अपनी फाइल को सेव कर देंगे। और मैं अपने फाइल का नाम भी यहाँ पर दे सकता हूँ, तो इसका भी मैं नाम डॉक्यूमेंट दे दूंगा, या डॉक्यूमेंट वन दे देते हैं। इसके बाद हम इसे सेव कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इस डॉक्यूमेंट को सेव किया है तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर यहाँ डॉक्यूमेंट वन लिखा आ गया है, क्योंकि मैंने इसी नाम से इस डॉक्यूमेंट को सेव किया था। अब यदि आप फाइल मेन्यू में जाएंगे और इन्फो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप और इन्फॉर्मेशन जो पहले शो नहीं हो रही थी, जैसे कि साइज भी शो होने लगी है, और यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी शो होने लगी है, जैसे कि मैंने इसे मॉडिफाई कब किया था या इसे क्रिएट कब किया था। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ पर शो हो रही है। तो अभी हमने फाइल को सेव कर लिया है और अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो क्लोज का ऑप्शन भी आपको फाइल मेन्यू में मिल जाता है। फाइल मेन्यू में यदि आप सबसे नीचे जाएंगे तो आपको क्लोज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो अब हम जानेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा मैंने इसे क्लोज कर दिया है, यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट शो नहीं हो रहा। तो ओपन करने के लिए हम फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको कुछ रिसेंट डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं जिन पर आपने अभी अभी काम किया है। तो जैसे हमारा जो डॉक्यूमेंट वन है वो यहाँ पर शो हो रहा है, और यदि आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर शो नहीं होता है तो आप उसे कंप्यूटर पर क्लिक करके और यहाँ ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करके उसे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसे डेस्कटॉप पर सेव किया था जिसमें हमने डॉक्यूमेंट एक फोल्डर बनाया था, और उसके अंदर ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट। इस पर क्लिक करने के बाद हम इसे ओपन कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा वही डॉक्यूमेंट फिर से ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमने इन्फो देख लिया, इन्फो से हम क्या कर सकते हैं, न्यू से हम क्या कर सकते हैं, ओपन से क्या कर सकते हैं, सेव से क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और फंक्शन होता है जो कि है सेव एज। चूंकि हम यहाँ पर सेव और सेव एज में हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि यह एक ही फंक्शन है, पर यह एक ही फंक्शन नहीं होता है, यह अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ लाइन्स ऐड कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ दिस इज माई डॉक्यूमेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक लाइन ऐड कर दी है जो कि लिखी हुई है सबसे नीचे दिस इज माई डॉक्यूमेंट। अब यदि हम इसे सेव कर देते हैं तो यह जो फाइल है वो एज इट इज सेव हो जाएगी, और साथ ही जो हमने नई लाइन ऐड की है वह भी इस फाइल के साथ सेव हो जाएगी। पर यदि हम इसे सेव एज करते हैं तो यहाँ पर हमें वह सेव करने के लिए फिर से वही सेव वाली विंडो ओपन हो जाती है, और हम ब्राउज करेंगे तो यहाँ पर हमें फिर से उस डॉक्यूमेंट को सेव करने का ऑप्शन पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम वहीं पे जहाँ हमारा पहला डॉक्यूमेंट सेव है वहीं पर हम इसे डॉक्यूमेंट टू नाम से सेव कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने इसे सेव कर दिया है और हम अपनी इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। तो अब हम जानते हैं कि हमने सेव एज के द्वारा क्या किया। जैसे कि आप ओपन करेंगे हमारी पहले वाली डॉक्यूमेंट वन वाली फाइल, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वह लाइन नहीं शो हो रही है जो कि हमने उसे ऐड किया था। पर यदि हम डॉक्यूमेंट टू को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो पुराना डॉक्यूमेंट है वह भी शो हो रहा है, और साथ ही साथ नई लाइन भी शो हो रही है। तो सेव एज का मतलब ये होता है कि हम अपनी पुरानी फाइल्स को एज इट इज़ रखना चाहते हैं और उसके डेटा में कुछ नई चीज़ें जोड़कर एक नई फाइल बनाना चाहते हैं, तो इसलिए हम सेव एज का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने सेव एज फंक्शन भी जान लिया। तो अगला है प्रिंट। प्रिंट ऑप्शन से हम अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट की कुछ सेटिंग्स दी हुई हैं जिनके द्वारा आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रिंट का जो लेआउट है या जो प्रीव्यू है वह शो हो रहा है कि वह किस तरीके से प्रिंट होगा। अगला ऑप्शन है शेयर का। तो शेयर का ऑप्शन, आप यहाँ से हर चीज़ शेयर कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू या फिर पोस्ट के थ्रू, या कहीं भी ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हैं, या आप इसे क्लाउड में भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट से आप जो आपका डॉक्यूमेंट फाइल है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप जैसे ही क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करोगे ये आपसे पूछेगा कि आपको कहाँ पर उसको पीडीएफ के थ्रू सेव करना है, तो आप उसे पीडीएफ फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो।
मैं अभी यहाँ पर आपको सेव करके नहीं बता रहा हूँ। तो हमारा लास्ट ऑप्शन है क्लोज का, तो आप क्लोज के थ्रू अपना डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हो। जैसे ही आप क्लोज पे क्लिक करोगे, आपका वो वाला डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा जो आपका रिसेंट में यूज हो रहा था। चूंकि हमारे दो डॉक्यूमेंट थे तो हमारा एक डॉक्यूमेंट क्लोज हो चुका है, और यदि हम इसे भी क्लोज कर देंगे तो यहाँ पर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट शो नहीं होगा और यहाँ पर हम कोई भी फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यदि आप फाइल पे भी क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको दो ही ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक तो न्यू का और एक ओपन का, यानी कि या तो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो या किसी पुराने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो। क्योंकि अभी यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए आप उसे सेव नहीं कर सकते या प्रिंट नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में हमने फाइल मेन्यू के सारे ऑप्शंस देखे कि हम उनके द्वारा क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगली वीडियो में हम आगे के कुछ और मेन्यूज़ के बारे में जानेंगे कि हम उनके द्वारा अपने डॉक्यूमेंट में कैसे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं या उसे और अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।